वो गेन नहीं करता। इट मीन्स कि आपको कोई भी काम जिंदगी में करने के लिए उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। किसी भी काम के लिए आपको कीमत अदा करनी पड़ेगी। मसलन कुछ का बंदा सोचता है कि मुझे क्या कीमत अदा करनी पड़ेगी। भाई आप दुकान पे जाते हो तो आप चीज खरीदते हो, चीज खरीदने के लिए क्या अदा करते हो? पैसे अदा करते हो, कीमत अदा करते हो। एक बात से भी रखना, जब भी कोई बंदा बोलता है ना, जब भी कोई बंदा बोलता है उसकी जिंदगी के पीछे उसके 20 साल बोल रहे होते हैं, उसके पीछे उसकी जिंदगी का पूरा निचोड़ बोल रहा होता है। और जो अहम बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि एक बंदा कामयाबी नहीं होता तो अक्सर बहुत ज्यादा होता है। मसलन इलम, इलम का भी समुद्र होता है उसके पास, ताकत का भी समुद्र होता है उसके पास। बंदा फिर हार जाता है, क्यों? उसकी एक ही वजह है, वो शॉर्टकट तलाश करते हैं। वो लोग क्या करते हैं? शॉर्टकट्स क्या तलाश करते हैं? वो लोग शॉर्टकट्स तलाश करते हैं। शॉर्टकट्स तलाश करने वाले कभी कामयाबी की पुख्ता राह को अपना नहीं सकते। उसकी मिसाल मैं दूंगा, अशफाक अहमद बाबा, अशफाक अहमद अशफाक साहब अपनी किताब जाविया में लिखते हैं कि कहते हैं मैं सातवीं क्लास में पढ़ता होता था तो हमारे गांव के करीब एक मेला लगा देता था। तो कहते हैं मैं अपने अब्बू के साथ उस मेले को देखने के लिए गया, तो मेरे अब्बू के दोस्त भी थे मेरे साथ। मैंने कहा अब्बू ये देखिए सो ठहरे जरा। कहते क्या हो बेटा? कहते ठहरे मुझे बड़ी हालत हो रही है। कहता क्या हो गया? कहते ये इतना बड़ा हाथी है, एक छोटी सी रस्सी गले में, बारीक सी रस्सी और छोटे से किले के साथ इसको बांध दिया गया है, ये चाहे कहता है ये बेटा कभी भी जिंदगी में ये छोड़ी नहीं उखाड़ सकता। कहता है क्यों? कहता आओ मैं बताता हूँ ये क्यों नहीं उखाड़ सकता। कहता कि जब ये बच्चा हुआ था ना, बच्चा था ना, बच्चा पैदा हुआ, ये भी रस्सी इसके पाँव में बांध दी गई थी। तो बचपन में बंदे की ताकत कम होती है तो कहता उस रस्सी को चलाने के लिए बड़ी कोशिश करता रहा, बड़ी कोशिश करता रहा, अपनी जोर अजमाई बचपन में इस रस्सी के साथ कर चुका है। अब इसको यकीन हो गया कि मैं इस रस्सी को तोड़ नहीं सकता। अब इसको यकीन हो गया कि मैं इस रस्सी को तोड़ नहीं सकता। जब की बात ऐसी नहीं है, तोड़ सकता है ये, इसको तोड़ सकता है, मगर क्या ये अपना बेवकत जोर लगा लगा के ना अपनी एनर्जी जाया कर गया है और नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी कर दिया है और इसको पूरा इत्मीनान आ गया है कि ये रस्सी मुझसे ताकत हुआ है। जब भी कोई रस्सी किसी से ताकतवर नहीं होती, ताकतवर अगर कोई चीज होती है तो उसका इत्मीनान ताकतवर होता है। अगर वो ताकतवर चीज है तो उसकी वो क्या है? उसकी ख्याल ताकतवर है, उसके इरादे ताकतवर है, उसके इरादे मजबूत है। इरादे दिल के पुख्ता हो, नजर जिसकी पुख्ता हो, इरादे दिल के पुख्ता हो, नजर की पुख्ता हो, तो खेल मौजूद से वो घबराया नहीं करते। जो औरों के रखते, जो औरों के लिए रखते हैं प्यार का जज्बा, जो औरों के लिए रखते हैं प्यार का जज्बा, वो लोग कभी टूट कर बिखरा नहीं करते। वो लोग कभी टूट कर बिखरा नहीं करते। शर्त ये है कि आपको लगन से काम करना पड़े। आज भी इंसान तस्वीर को तस्वीर में डाल सकता है, आज भी इंसान वर्ड लिखने जा रहा हूं तस्वीर को तस्वीर में डाल सकता है, मगर कैसे? कि आज इंसान अपने तस्वीर में जो चीज है उसकी तस्वीर बन सकती है। उस तस्वीर को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको सच्ची लगन से काम करना पड़ेगा, मेहनत से काम करना पड़ेगा, मोहब्बत से काम करना पड़ेगा। जब आप डिवोटेड होते हैं ना किसी काम के साथ, यू आर अ लकी वन इन दिस वर्ल्ड इफ यू आर डिवोटेड टू एनी वर्क। अगर आप किसी काम के साथ डिवोटेड हो जाते हो, वो काम आपका डिवोटेड हो जाता है, वो काम आपके सिर आ जाता है। आप करके देखें डिवोट, करके देखें किसी को डिवोट, करके देखें आप किसी को। मैं देता हूँ मिसाल इसकी, जिन लोगों ने डिवोट किया उन लोगों ने सल्यूट किया उन लोगों को। आइए देखते हैं, ताकि मैंने ज्यादा डिवोट किया अपने आप को, क्या ज्यादा मैंने डिवोट किया अपने आप को, इलामा इकबाल ने नोट किया अपने आप। लोग आज भी कहते हैं खुद ही को करबला दिखना के हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे तेरी रजा क्या है।
जहां कहीं भी जद्दोजहद का फिक्र होता है वहां कालियादों की याद आ जाती है, जहां कहीं इंग्लिश का फिक्र होता जाए बरंडा बोर्स वहां अंग्रेज के आज भी लौटते खड़े रहते हैं कि तालिबे निजात ने सफर करने शुरू कर दिया हमारी कदम। क्यों? ये तालिबे निजात जब नहर फरात पार करके स्पेन को फतह करने जाया जाता था उस फतह करने के लिए क्यों जाता था? क्योंकि वहां एक रॉयल बादशाह था, वो इतना जालिम था, उसका एक वजीर था काउंट जूलियन, उसने उसकी बेटी के साथ जाती की तो उसने कहा उमते मुसलमान के शेर कहाँ चले गए, उमते मुसलमान के शेर कहाँ सो गए हो? आज उमते मुसलमान की बेटी आपको पुकार रही है, है? तो क्या हुआ? तालिबे निजात को भेजा गया स्पेन फतह करने के लिए, तीन दफा हार गया। होता क्या था? क्योंकि जब इंसान किसी काम को करने के लिए जाता है ना पीछे खौफ शो जाए, थोड़ा सा खौफ, क्या हो पानी होती थी आगे बॉर्डर की बहुत बड़ी फौज देखकर ना तो वो पीछे भाग जाते फिर बैठ जाते भाग जाते मार जाते। लास्ट टाइम जब तक मैंने ज्यादा किया तो क्या किया उसने कहा कश्ती को बाहर निकाल, कश्तियां बाहर निकाल दी गई, कहना मरण का बोझ, कश्तियां जला दो, क्या कर दो, कश्तियां जला दो, कश्तियां जला दी गई। फिर तक बैठ जाते वहां की एक मैजिकल स्पीच जादुई तकरीर की, उसने कहा ऐ मेरे सिपाही आपके पास दो रास्ते, आगे राडर की फौज से डरकर शहादत की मौत का रास्ता है, पीछे पानी में डूबकर यानी कि कुफर की मौत का रास्ता है, इंतखाब आपका है, मैं आपको मजबूर नहीं कर रहा, जो शहादत की मौत लेते हैं वो आगे चले जाए, जिन्होंने कुफर की मौत मरना है पीछे चले जाए, इंतखाब आपका है। दोनों सूरतों में मरना है सिपाही ने कहा सर इसका मतलब दोनों सूरतों में मौत है, अगर जी मौत है तो क्यों ना हम शहीद होकर मरे जिसका रुतबा ही बड़ा बड़ा है, जिसका रुतबा ही बड़ा बड़ा है। आपको जब भी किसी काम के लिए जाना है इस सारी कहानी से एक बात पूछ ले, इस सारी कहानी से ये सारी गुफ्तगु से डू आर डाई, बस करो या मरो। जो बंदा दरमियानी रास्ता तलाश करता है ना वो रास्ता जलालत का रास्ता है, वो रास्ता कौन सा रास्ता है? जलालत का रास्ता है। वो इंसान को दलील कर देता है, वो इंसान को थका देता है, वो इंसान को उसकी मंजिल से हटा देता है, वो रास्ता उन लोगों को अमूलों की तर्जमानी को चिथड़े उड़ा देता है, वो उनके वालदैन की जो खाशा था उनको दफन कर देता है, वो रास्ता उनको जब कहा ले जाता है नाफकत के रास्ते पर चला जाता है। वो रास्ता कहीं कोई रास्ता नहीं होता, वो रास्ता नाफकत का, नाफकत का कहीं कुछ नहीं है, ठीक है जी। रास्ता किसका है? वन साइडेड का, तो वन साइडेड आप हो जाए, आप अपने इरादे को पूरा कर, काम आपने करने की नीयत कर ले, दुराही छोड़ दे, तो फिर अल्लाह क्या करता है? उठा साकिया पर्दा इस राज से, उठा साकिया पर्दा इस राज से, इरादे को बोले कुछ अखबार से, छोटे छोटे परिंदों से जाओ, इब्राहिम कावर दाने दिया आया था अल्लाह ने अबाबी को उसके हाथी मरवा दिए थे, क्या है उठा सा किया पर्दा उस राज से, उठा सा किया ये वही राज है, उठा सा किया पर्दा उस राज से, लड़ा दे बोले को शहबाज से। अगर आप शहबाज बनना चाहेंगे ना तो शहबाज बनने के लिए दरख्तों के ऊपर डोम से नहीं बनाया करते, शहबाज बनने के लिए बारिश से डर कर शेल्टर नहीं टूटा करते, शहबाज बनने के लिए आंधियों से लड़ना पड़ता है, शहबाज बनने के लिए तफालों से लड़ना पड़ता है, शहबाज बनने के लिए बारिश के ऊपर जाकर टूटना पड़ता है, पलटना लहू गर्म रखने का है बहाना, परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं, शहीद